सो सर, जब मैं 2017 में काम कर रहा था तब ऑर्डर को 40 रुपीज था सर, तो अभी हल्लू नीचे होते जा रहा सर। अभी ऑर्डर को हम लोग 20 रुपीज दे रहे, 5 किलोमीटर ऑर्डर पर ऑर्डर 20 रुपीज है सर। फिर वहां से हमको रिटर्न ऑर्डर नहीं रहता, वहां से रिटर्न आना 10 किलोमीटर हो जाता सर। जब 2017 में पेट्रोल 80 रुपीज था सर, अभी 110 हो गया सब। पेट्रोल के हद से ऑर्डर को कुछ लिंक नहीं है सर, वहां से कमी हो रहा। प्लस सर, इंश्योरेंस एंड पीएफ हम लोग एनी टाइम स्विगी में कंप्लेंट करे सर, नहीं है सर अभी तक। इंश्योरेंस एंड पीएफ सर, वी आर वर्किंग फ्रॉम 6-6 ईयर सर। अभी हम लोग वो लोग से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर, गवर्नमेंट से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर। तो वी होप फ्रॉम कांग्रेस फॉर डिलीवरी बस। सब यहाँ पर एसएससी करे सो है सर, डिग्री करे सो है, मगर हमारा इमेज सिर्फ एज ए डिलीवरी बॉय ही है सर। 5-10 किलोमीटर हम लोग ऊपर ऐसी चढ़कर जाकर देकर आते सर, इमेज हमारी एज ए डोंकी सी है सर। इधर कुछ हम लोगों को इधर बड़ा कुछ नहीं है सर, इम्प्रूवमेंट्स कुछ भी नहीं है सर। आप इससे पहले आपका प्लान क्या था, आप यही करना चाहते थे या आपका कोई और प्लान था? नहीं सर, देखो अगर यहाँ पर हमको कुछ अच्छा मिलता काम करने के लिए तो करते थे सर। कुछ नहीं रहने की वजह से हम लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे सर। ये हम लोग आज कम करे तो आज का पैसा कल मिलता सर, कल का परसों मिलता सर। उसमें भी सर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स वर्क करके सर हम लोग को सिर्फ 1000 रुपीज भी गेन नहीं होता सर। उसमें से 200-300 पेट्रोल के लिए चले जाता सर। प्लस सर इसमें हम लोग को कंटिन्यू ऑर्डर्स भी ना रहते सर, एक पीक टाइम रहता सर। वो पीक टाइम पे जितना भाग सकते हो उतना भागना है सर, वो भाग है सर, पढ़ना है सर, जो भी एक्स वाई जेड है, फैमिली का रिस्क लेके हम लोग रोड पे फिरने का है सर। हम लोग सर सबको खाना खिला के हम लोग 4-5 बजे खाना खाते सर, 12 बजे से लेके 3 बजे तक कस्टमर का टाइमिंग रहता। हम लोग को खाना 4-5 बजे रोड पे बैठ कर खाना पड़ता सब। नाइट के ऑर्डर्स के लिए हम लोग रोड पे सो जाते सर, नाइट ऑर्डर्स के लिए बहुत फेसिंग है सर, प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे एग्जीक्यूटिव्स। थैंक यू सर, एंड वी होप कांग्रेस फ्रॉम तेलंगाना सर। 2013 में सिटी परमिट अलर्ट करे के 5 लाख ऑटोओं को 2 लाख ऑटोओं को परमिट दिए थे। अब ये तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद वो परमानेंट के लिए 1,50,000 पेनल्टी बनाना पड़ रहा सर। अब प्रॉब्लम क्या है बोले तो, अब सिटी से दूसरे सिटी से ला के गाड़ियाँ चलाना पड़ रहा सर। कहीं को बोले तो 5 लाख लगा लेके सिटी गाड़ी ले लेके हम चलाना ऐसा कर रहे थे सब। हम चलाए तो अब किराए को लिए तो गाड़ी 400 रुपये ओनर को देना, हमारे को डीजल डला लेने का है सब। बचे तो हमारे को 300 रुपये बचे थे सब। अब आप में से आप सबकी गाड़ी है या आप रेंट लेते हो गाड़ी? रेंट लेते, रेंटर है सब, सारे के सारे रेंटर हो, मतलब किसी और की गाड़ी चलाते हो? हाँ, दूसरी की ऑटो को चलाते हैं सर। ऑटो कितने की आती है आजकल? आज सिटी परमिट का रहे तो 5 लाख रुपए है सर, बगैर परमिट डिस्ट्रिक्ट का गाड़ियाँ ले तो 2,50,000 रुपए। और जो 5 लाख का जो परमिट होता है, हाँ सर, उसका पैसा वो भरता है, आप भरते हो? अब इस बार हम लोग इस बार फाइनेंस सेक्टर में दूसरे फाइनेंस वाले करते हैं सब। वो क्या बोलते, परमानेंट के लिए 1.5 लाख रुपए पूछते, गाड़ी वैल्यू रहता 2 लाख रुपए, परमानेंट से लेके बने तो उसको 5 लाख तक फाइनेंस को बनना पड़ता है सब। हमारे को बहुत मुश्किल है सब। अब तुम मेहरबानी करके 2013 में अपन की गवर्नमेंट रहे, जब वो पूरा अपन की 2 लाख की करे थे, 2 लाख ऑटो को करे थे परमानेंट। अब फिलहाल तेलंगाना गवर्नमेंट में KCR बोले थे हमारे को परमानेंट आइस निकालते, तुम बोल के बोले थे। अब तक पूरा सता रहे साहब, आप परमानेंट नहीं है, हमारे से बात कर रहे से वाले नहीं है, तुम आके आप बात कर रहे साहब, पूरा मेहरबानी है साहब। अब वो प्रॉब्लम है सर, मेन प्रॉब्लम बगैर सिटी से ले लेके गाड़ियाँ चलाना बोले तो चलाना गिरते, अब जुलुमा चलाते यहाँ के गवर्नमेंट पे। अब किधर भी गए तो हमारे ऑटो वाले को चीपीस देखते सब। हमारे को बस से यहाँ से वहाँ गए तो 80 रुपये बस से, वो ही रुपये में हम काम कर लेना सब। अब एक ऑटो ड्राइवर को भी डबल बेडरूम का घर भी नहीं आया फिलहाल। सोपजने को यहाँ पर TRS गवर्नमेंट पे कौन है उनको ही चाह रहा, हम ड्राइवर से हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे कहीं को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम भी जीने का ऐसे, हम भी नए जवान है ना सब, हम भी ड्यूटी नहीं है तो हम उपाधि के लिए ये काम कर ले रहे सब। अब तुम्हारे गवर्नमेंट पे कुछ करना सब, हमारे को वो परमिट रद्द करना सब,